हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ साथ एक और घोषणा की कि सरकार जो है वो एज ऑफ मैरिज को भी रिव्यू कर सकती है। ये एक कदम है उस दिशा में जहां वेमेन माल न्यूट्रिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है इंडिया का, उसे भी और कम करने की ओर ये एक कदम हो सकता है। इन दोनों ही वीडियो के बारे में, यानी कि MMR और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखे हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि MMR क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा उसका, और डिस्क्रिप्शन में भी। साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 एक्चुअली में इंडिया में 1 नवंबर 2007 से फोर्स में आया। इससे पहले ब्रिटिश काल के दौरान जो है, ब्रिटिश एरा ने एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 इस्टेब्लिश किया था, वो अभी तक चला आ रहा था। और ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 ने उस चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को रिप्लेस कर दिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे कि Child is someone if he is a male and has not completed 21 years of age, or if she is a female and has not completed 18 years of age. तो अगर लड़का है और 21 साल की उम्र नहीं हुई है, या लड़की है और 18 साल की उम्र उसकी नहीं हुई है, तो ऐसे दोनों ही केसेस में इन्हें child consider किया गया। Child in quote जो है, ये definition है इस word की जो section 2 के अंदर में mentioned है। उसी तरह child marriage, चाइल्ड मैरिज की डेफिनेशन यही है कि आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यानी कि अगर शादी हो रही है और उसमें दोनों ही पार्टीज को कंसिडर करने पर, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी अगर चाइल्ड है, जैसा कि हमने पीछे की डेफिनेशन में पढ़ा, चाइल्ड कौन है, लड़का अगर 21 से कम का है, लड़की अगर 18 से कम की है, तो दोनों ही केस में ये चाइल्ड मैरिज कंसिडर किया जाएगा। यानी कि लड़का अगर 21 से ज़्यादा भी हो लेकिन लड़की 18 से कम की हो, तो भी चाइल्ड मैरिज है। और अगर लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का हो और लड़की 18 वर्ष से ज़्यादा की हो, तो भी ये चाइल्ड मैरिज ही कंसिडर किया जाएगा। माइनर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि इंडिया के जो मेजॉरिटी एक्ट ऑफ  1875 है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेजर नहीं है तो उसे माइनर कहा जाता है। अब ये मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका डोमिसाइल इंडिया का है, वो जैसे ही 18 वर्ष की आयु पर कंप्लीट होगी उसकी, वो मेजर कहलाने लगेगा। यानी कि छोटे शब्दों में 18 साल से कम की उम्र वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमारा संविधान माइनर कंसिडर करता है। और यही इस एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग भी माइनर की डेफिनेशन वही दी हुई है। अच्छा, ये कुछ दिनों पहले भी ये न्यूज़ में था, चाहे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में था। उसका पीछे का रीज़न था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जहां एक 17 साल के लड़के ने एक 21 साल की महिला से शादी की थी। इस केस में जो वर्डिक्ट ऐसा आया था कि सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पनिशमेंट अगर एक मेल चाइल्ड जो है एक फीमेल से मैरी करता है, एक एडल्ट एक मेजर फीमेल से मैरी करता है, या एक एडल्ट फीमेल या एक एडल्ट महिला अगर मेल चाइल्ड से मैरी करती है, तो उस केस में किसी भी तरह के कोई भी पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। पनिशमेंट है, इस एक्ट में भी पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेजर मेल्स फॉर मैरिंग फीमेल चाइल्ड्स के केस में ही पनिशमेंट का प्रावधान है। पनिशमेंट की बात अगर करें तो कोई भी चाइल्ड मैरिज, अगर कोई लड़का, एक एडल्ट लड़का अगर माइनर लड़की से शादी करता है, तो उस केस में उसे 2 साल तक की नॉन बेलेबल जेल और 1,00,000 रुपए तक कैश तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। उसी तरह अगर कोई पेरेंट या गार्जियन जानबूझकर किसी अपने माइनर लड़की की, यानी कि चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड की अगर शादी कराता है जानबूझ करके, तो उसे भी 2 साल तक की नॉन बेलेबल इम्प्रिजनमेंट और
1,00,000 रुपये कैश तक का जुर्माना या फिर दोनों ही फाइन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर कोई थर्ड पार्टी और इसके साथ ही अगर कोई थर्ड पार्टी जो विटनेस हो, यानी कि जैसे हिंदुओं में होता है पंडित जी शादी कराते हैं, तो ऐसे केस में जो शादी करवा रहा है उसे भी 2 साल तक की कैद या फिर 1,00,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही फाइन किए जा सकते हैं। सरकार इसके लिए जो ऑफिशियल गैजेट है उसके हिसाब से जो एरिया स्पेसिफाइड है पर एरिया एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर भी अपॉइंट करती है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के कई सारे काम है, जैसे कि वहाँ की लोकेलिटी में जागरूकता फैलाना, लोगों को लोकेलिटी के में जो वासिंदे हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, उनको ये समझाना कि इस तरह की प्रथा को बढ़ावा ना दें और ना ही इस तरह का कोई क्राइम कमिट करें। साथ ही उनकी ड्यूटीज़ में ये भी शामिल है कि अगर उन्हें कहीं खबर मिलती है कि कहीं चाइल्ड मैरिज अरेंज की गई है, कहीं चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो उसे होने से रोकना भी उनकी एक ड्यूटी है। साथ ही साथ उनका काम ये भी है कि इस हीनियस एक्ट के अगेंस्ट में सबूत इकट्ठा करें ताकि जो भी कंसर्न पार्टीज हैं उनका प्रोसिक्यूशन सही से हो सके, और समय समय पर जैसे भी सरकार डिमांड करे उस हिसाब से डेटा भी जो है सरकार को पहुंचाना भी इनका एक काम है। डेटा से याद आया, अगर बात करें 2001 के सेंसस की तो करीब करीब 1,50,000 लड़कियां इंडिया में ऐसी हैं जो कि 15 वर्ष से कम उम्र की है और उनकी शादी भी हो चुकी है। ये डेटा बता दें आपको कि 2001 के ही सेंसस का था। वहीं 2011 के सेंसस की अगर बात करें तो करीब 3,38,00,000 केसेस ऐसे रिपोर्ट किए गए जहां पे 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी थी। तो ये काफ़ी विचारणीय बात है और इसलिए जो है सरकार इस ओर कदम भी उठाने जा रही है, जैसा कि अपनी 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैरिज की एक्ट को जो है रीडिफाइन किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इसे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, क्या चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लग सकेगी। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ये एक सोशल केस है, एक सोशल इशू है, जहां जब तक कि समाज की मानसिकता नहीं बदलती तब तक बहुत मुश्किल है। हालांकि एक अच्छी बात यह भी है, जैसे हमारे इंडिया में एक प्रथा थी बहुत काफ़ी कुछ समय पहले तक ही, सती प्रथा, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जो है जिंदा जला दिया जाता था पति की अस्थियों के साथ, पति की अर्थि के साथ। तो ये बहुत ही घिनौना एक ट्रेडिशन था जो कि एंड पर आ गया, समाप्त हो गया है। उसी तरह उम्मीद तो हम यही करेंगे कि चाइल्ड मैरिज भी जो है वो जल्द ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हैं जो कम उम्र की लड़कियों को झेलना पड़ता है। उनका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, अगर कम उम्र में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इमेच्योर बेबीज़ और उनकी हेल्थ को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं और उनकी सर्वाइवल रेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसी एरिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाती है। तो अगर चाइल्ड मैरिजेस कम होंगे मैच्योर होने के बाद, एक सही समय के बाद अगर शादियाँ होंगी तो काफ़ी हद तक जो है एक ओवरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन है उसमें एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों इसी बात पर हम आपसे विदा लेते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।